बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड, जो कि रबी क्रॉप से रिलेटेड है। दोस्तों ये क्वेश्चन बुक सीरीज हमारी बी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सरसों की बीज दर है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 5 से 9 किलोग्राम हेक्टेयर, या 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों जो सरसों की बीज दर है वो दोस्तों हमारी सामान्यता कितनी है, वो हमारी है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सिंचित क्षेत्रों में तोरिया फसल के लिए एनपीके की सिफारिश की जाती है 90-40-40 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर, 50-40-40 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर, 60-30-30 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा है 60-30-30। सरसों कुल की फसलों का प्रमुख कीट है माहू, आरा मक्खी, लीव माइनर, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सरसों कुल के ये सभी प्रमुख कीट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रजाति है सूरजमुखी की, अलसी की, सरसों की, इनमें से किसी की नहीं। तो दोस्तों जो मॉडर्न प्रजाति है वो हमारी है सूरजमुखी की। आलू में स्टार्च होता है 20%, 14%, 22%, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आलू में स्टार्च होता है वो हमारा होता है 20%। सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या हरियाणा। दोस्तों जो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो हमारा है राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आलू की बुआई का अंतर देर से बोने पर कितना होगा, 60x25 सेंटीमीटर, 50x20 सेंटीमीटर, 45x15 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लेट बुआई करते हैं आलू की वो हम करते हैं 60x25 सेंटीमीटर पे। आलू के लेट ब्लाइट का कारक कौन सा फंजाई है, फाइटोप्सोरा इन्फेंटेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आलू में लेट ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा होता है तो दोस्तों वो हमारा होता है फाइटोप्सोरा इन्फेंटेंस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सस तकनीक टॉपिंग संबंधित है आलू से, सरसों से, मटर से, या मसूर से। तो दोस्तों जो टॉपिंग संबंधित है तो दोस्तों वो इसमें संबंधित है मटर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था चना, पर यहाँ पे है नहीं, पर तो यहाँ पे हम मटर को सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। राइट आंसर है हमारा तोरिया। मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, या सितंबर का प्रथम सप्ताह। दोस्तों जो मसूर की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है वो हमारा है मध्य अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खदरावी प्रजाति है सरसों की, रिजका की, बरसीम की, या मटर की। दोस्तों जो खदरावी प्रजाति है वो दोस्तों हमारी है बरसीम की, डिप्लोइड प्रजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंध गुड़ाई कृष क्रिया की जाती है आलू में, चने में, गन्ने में, या इनमें से किसी में। तो दोस्तों जो अंधी गुड़ाई क्रिया की जाती है ब्लाइंड होइंग दोस्तों वो की जाती है हमारी गन्ने में। उत्तर प्रदेश के वर्षाधीन क्षेत्रों में अलसी की बीज दर होती है 30-35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 30-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 40-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में वर्षा वाले क्षेत्र हैं दोस्तों उसमें जो अलसी की बीज दर रखी जाती है वो हमें रखी जाती है 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पार्वती प्रजाति है मटर की, अलसी की, तुरिया की, मसूर की। दोस्तों जो पूसा पार्वती प्रजाति है वो फ्रेंच बीन की होती है, जबकि दोस्तों पार्वती प्रजाति है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका उत्तर आप लोग स्वयं ढूंढ लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। बेली 1922 के अनुसार राय यानी कि ब्रेसिका जेंसिया की उत्पत्ति स्थान क्या है, एशिया माइनर है, भारत है, चीन है, अब इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो राय का उत्पत्ति स्थान बताया है बेली ने वो बताया है एशिया माइनर को। आनंद टू प्रजाति है रिजका की, बरसीम की, चना की, या मटर की। दोस्तों जो आनंद टू प्रजाति है वो हमारी है रिजका की। प्रोपिंग और रेपिंग क्रिया की जाती है सूर्यमुखी में, गन्ने में, सरसों में, मटर में। दोस्तों जो प्रोपिंग और रेपिंग क्रिया की जाती है वो हमारी की जाती है गन्ने में। साधारणतया मटर की जल मांग है 20-25 सेंटीमीटर, 30-35 सेंटीमीटर, 40-45 सेंटीमीटर, या 35-40 सेंटीमीटर। दोस्तों जो साधारण मटर की जल मांग है वो हमारी है 20-25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीहॉल्मिंग क्रिया की जाती है आलू में, सरसों में, तोरिया में, चना में। दोस्तों जो डीहॉल्मिंग क्रिया की जाती है वो हमारी की जाती है आलू में। 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक
देश कौन सा है? तो दोस्तों जो 2022 का प्रोडक्शन इंडेक्स है उसमें जो दालों का सबसे बड़ा निर्माता उत्पादक है वो हमारा है इंडिया। भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो दोस्तों जो भारत में दाल सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा है राजस्थान। भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो दोस्तों जो भारत में तिलहन का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य है वो हमारा है MP। और दोस्तों ये तिलहन के साथ दलहन का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी भारतीय दाल में होती है? मसूर की दाल में, अरहर की दाल में, चने की दाल में या मटर की दाल में? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है भारतीय दालों में वो होती है हमारी मसूर की दाल में। सबसे अच्छा चारा किस फसल का होता है? जई का, रिजका का, बरसीम का या नेपियर घास का? तो दोस्तों जो सबसे अच्छा चारा माना जाता है वो माना जाता है बरसीम का। उन्नत कृषि तकनीक से मटर की पैदावार होती है लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर? तो दोस्तों उन्नत कृषि तकनीकों से मटर की पैदावार हमारी होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। मटर का मुख्य खरपतवार है चटरी मटरी, बथुआ, सैंजी या गजरी? तो दोस्तों मटर का मुख्य खरपतवार हमारा है चटरी मटरी। अलसी की खली में प्रोटीन होता है 30%, 40%, 44% या 25%? दोस्तों जो अलसी की खली में प्रोटीन प्रतिशत होता है वो हमारा होता है 30%। कैच क्रॉप यानी कि कैच फसल है सरसों, तोरिया, मसूर या चना? तो दोस्तों जिसमें कैच क्रॉप है वो हमारी है तोरिया। भारत में गन्ने का मुख्य उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात? तो दोस्तों भारत में गन्ने का मुख्य उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती? बरसीम, रिश्का, जई या लोबिया? तो दोस्तों जो हमारा जई है वो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। डे न्यूट्रल फसल है गेहूं, अलसी, सरसों या सूरजमुखी? तो दोस्तों सूरजमुखी ही हमारा वो डे न्यूट्रल फसल है। गन्ने की मुख्य बीमारी है विल्ट, रेड रॉट, स्मट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गन्ने की प्रमुख बीमारी हमारी रेड रॉट है। सरसों में और अवयंकी खरपतवार है पूर्ण तना परजीवी, अर्ध मूल परजीवी, पूर्णता मूल परजीवी या अर्ध तना परजीवी? तो दोस्तों जो हमारा और अवयंकी है वो हमारा पूर्णता मूल परजीवी है। गेहूं में लीप रस्ट को क्या कहते हैं? ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट या व्हाइट रस्ट? तो दोस्तों गेहूं की लीप रस्ट को कहते हैं ब्राउन रस्ट। करनाल बंट एक बीमारी है बैक्टीरियल, फंगस, वायरल या शुद्ध कमी वाली? दोस्तों जो करनाल बंट बीमारी है वो हमारी फंगल यानी कवक से फैलती है। ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग किया जाता है बीज में, मृदा में या मृदा और बीज दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसका प्रयोग किया जाता है मृदा में। मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है दीमक, माहू, फलीभेदक, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो मसूर की फसल के प्रमुख कीट है वो इसमें से सभी है। राज 3077 प्रजाति है जो कि गेहूं की, जई की या सरसों की? दोस्तों जो राज 3077 प्रजाति है वो हमारी गेहूं की लवण प्रतिरोधी प्रजाति है। गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांति की अवस्था है CRI है या किल्ले निकलना, दुग्धावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो गेहूं की प्रथम सिंचाई की क्रांति की अवस्था है वो हमारी CRI है। गेहूं में देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुआई की गहराई होगी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर? दोस्तों देर से बोए जाने वाले गेहूं की गहराई हमेशा कम रखते हैं यानी कि 3 सेंटीमीटर। हरितिमा प्रजाति है गेहूं की, जौ की, जई की या बरसीम की? तो दोस्तों जो हमारी हरितिमा प्रजाति है वो हमारी है जई की। जो की नेट ब्लॉच बीमारी किसके कारण होती है? हेलमेंथोस्पोरियम टेरेस सेगरम से या हेलमेंथोस्पोरियम सेटाइवम से या ए और बी दोनों से या उनमें से किसी से नहीं? तो दोस्तों जो कि नेट ब्लॉच बीमारी होती है वो होती है पायरेनोफोरा टेरेस से, यानी कि इसमें ऑप्शन जो हेलमेंथोस्पोरियम टेरेस है ये हमारा राइट आंसर है। जो कि फसल पकते समय तापक्रम की सकता होती है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या
35 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जो कि फसल को पकते समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यकता होती है। कौन सा आलू से नहीं बनता? वाइन, एस्टिक एसिड, पेपर, फेरना और एल्कोहल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अनाज की फसल का राजा किसे किस फसल को कहते हैं? तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है गेहूं, जो जई या धान। तो दोस्तों अनाज का जो राजा है वो हमारा है वीट, यानी कि गेहूं। चलते अगले क्वेश्चन। नकदी फसल है गन्ना, सरसों, मसूर या फिर सभी। तो दोस्तों जो हमारा गन्ना है वो हमारा नकदी फसल, क्योंकि दोस्तों जो नकदी फसल यानी कैश क्रॉप होती है वो फसलें होती है यानी कि व्यापारिक फसलें। तो दोस्तों हमारा गन्ना, जूट वगैरह जो है हमारे नकदी फसल है। सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहनी फसल है। तो दोस्तों जो सबसे पहली भारतीय महत्वपूर्ण फसल है, दोस्तों अगर व्यापारिक दृष्टि से देखी जाए तो दोस्तों अरहर फर्स्ट रैंक पे आती है। अगर यूजर्स के तौर पे देखी जाए तब भी अरहर आती है, इसलिए हमारा अरहर सही है। उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है गेहूं, चना, सूरजमुखी या मसूर। दोस्तों जो तीनों कंडीशन में या तीनों सीजन में उगाई जा सकती है वो हमारी है सूरजमुखी। चने में उकठा रोग का कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, एस्पिसिस साइरेसिस या यूमाइसिस फेबी या एरिसाइफी पॉलीगोनी या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चने में उकठा रोग का कारक है वो हमारा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एप्साइरेसिस है। मालवी विश्वनाथ प्रजाति है मटर की, मसूर की, चने की या इनमें से किसी की नहीं। तो दोस्तों जो मालवी विश्वनाथ प्रजाति है वो हमारी है मसूर की। तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीनॉइड्स के कारण या दोनों के कारण, इनमें से किसी के कारण भी नहीं। दोस्तों जो तिलहनी फसलों में तेल का रंग होता है वो हमारा होता है कैरोटीनॉइड्स के कारण। पूसा जगन्नाथ प्रजाति है सरसों की, तोरिया की, चने की या मटर की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।